पूरी खबर जो कि नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, जिस पर हम बात करेंगे, वो है बोल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, गैर कानूनी तौर पर नशियात क्यों बंद की जा रही हैं। हम जानते हैं गुज़श्ता चंद रोज़ से ही बल्कि अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है, जजेस का नाम ले लेकर उन पर तनकीद की जा रही है, वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़रा नून लीग के रहनुमा अदलिया को मुसलसल निशाना बना रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि अदलिया के खिलाफ नून लीग की मुनज़्ज़िम साजिश, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ हर्जा सराई, अदलिया को सियासी दबाव में लेने की मज़मूम कोशिश, तनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बददियानती, ये नाइंसाफी अब नहीं। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। अदलिया के खिलाफ इस साजिश में विफाकी वज़रा और सियासतदान ही नहीं बल्कि मखसूस सहाफी भी शामिल हैं। ट्विटर पर तो अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया गया है, किसी ने बेंच के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, बड़े बड़े कोर्ट रिपोर्टर्स तो सीनियर और जूनियर की राम कहानियां ले आए, कोई जजेस के खिलाफ मनगढ़ंत स्कैंडल्स का राग अलापता रहा, ऑडियो लीक्स पर भी जुमले कसे जाते रहे, कुछ एंकर्स इस बात पर मातम करते रहे कि हुकूमत ने अब तक बेंच की साख को चैलेंज क्यों नहीं किया, इमरान खान को जमानत देना भी जैसे अदलिया का जुर्म हो, कि कई सहाफियों ने इस पर भी तंज के तीर चलाए। सिर्फ यही नहीं, टीवी पर जजेस के खिलाफ प्रोग्राम्स, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तस्वीर नशर करके तनकीद की जा रही है, मशकूक सवालात उठाए जा रहे हैं ताकि अदलिया के वक़ार को धचका लगाया जाए। बोल खड़ा है अदलिया के साथ, मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म, मज़मूम मकासिद का पर्दा चाक करना, चेहरों को बेनकाब करना, यही है बोल का जुर्म। हुकूमत की जानिब से जिस तरह से जज साहिबान पर दबाव डाला जा रहा है, बाकायदा तौर पर नाम लेकर उन पर तनकीद की जा रही है। अदलिया का साथ देने पर बोल न्यूज निशाना, बोल न्यूज की नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद, बोल न्यूज अदलिया के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, बोल न्यूज 22 करोड़ आवाम की आवाज। आपको सच की आवाज बुलंद करने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद किया जाता है, मेरी 22 करोड़ आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि बोल न्यूज का साथ दें। बोल टीवी हमेशा जो है हक को सच की बात करती है। आइए देखते हैं बोल क्या कर रहा है। ये आपको नजर आ रहा है, ये हर तरफ लोग ही लोग हैं और अभी यहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ देने वाले हैं वो पहुँचे नहीं है, हर आदमी एक अपने अंदाज में वो बयान कर रहा है पाकिस्तान के मसाइल। मकसद सबका एक है कि ये जो टोला है, ये जो पीडीएम का टोला है, इनसे जान छूट जाए, मुल्क में इंतखाबात हो जाए। बोल का जुर्म है हकीकी सहाफत, बोल का जुर्म है हक और सच का साथ देना, बोल का जुर्म है कि दूसरे मीडिया की तरह क्यों इस साजिश का हिस्सा नहीं बना। अगर ये जुर्म है तो बोल अदलिया के साथ खड़ा है, हक और इंसाफ की जंग लड़ता रहेगा, बोल ने ना पहले कोई दबाव कबूल किया है ना अब करेगा। कौन लोग हैं आपने इस रिपोर्ट में मुलाहिजा किया, ना सिर्फ नून लीग की रहनुमा बल्कि चंद सहाफी भी इस मुहिम का हिस्सा है, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपके अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।